हाय गाइस, सो आज मैं फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ आ गई हूँ. एंड एज अपोज टू द लास्ट वीडियो दैट आई पोस्टेड, उसमें हमने एक पंच नीडल एम्ब्रॉयडरी पीस रेडी किया था. बट आज मैं सोच रही हूँ कि आज हम कुछ पेंट करेंगे बिकॉज आई लव पेंटिंग. एंड द मीडियम्स दैट आई यूजुअली गो फॉर आर एक्रेलिक्स, वाटर कलर्स और वॉश. आज मैं इस पेंटिंग के लिए मैं सोच रही हूँ वॉश कलर्स का यूज करने के लिए. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वॉश का भी देना चाहूंगी बिकॉज मैंने भी बहुत ही रिसेंटली वॉश पेंट्स यूज करना शुरू किया है एंड आई लव यूजिंग देम. तो वॉश पेंट्स वर बेसिकली यूज बाय कॉमिक आर्टिस्ट, वो कार्टून्स और कैरिकेचर को पेंट करने के लिए वॉश पेंट्स का यूज करते थे. तो इसमें जो खास बात होती है कि ड्राई होने के बाद वॉश पेंट्स काफी मैट फिनिश में रहते हैं एंड ऑल्सो इसमें जो फाइन लाइंस होती हैं वो भी कम दिखाई देती है. तो व्हेन यू लुक एट अ वॉश पेंटिंग इट विल लुक लाइक अ पोस्टर ऑलमोस्ट. तो आज मैंने सोचा है कि मैं एक चैलेंज भी दूं खुद को. इट्स टू अर्ली टू से दिस बट देन That's a part of a challenge as well. तो आज मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ 5 colors को use करके एक painting बनाऊंगी. Although black and white given होंगे, those are the standard colors. मैं 5 colors use करूंगी to paint a picture and we'll see how it goes. तो पेंटिंग प्रोसेस यूजुअली इंक्लूड करता है मेरा फाइंडिंग एंड इंस्पिरेशन, बेसिक चीज. आज मैं सोच रही हूँ सिंस आई एम अ डॉग लवर टू एक डॉग पोर्ट्रेट पेंट करने के लिए एंड आई एम थिंकिंग ऑफ पेंटिंग दिस पिक्चर. मैं ये इंक्लूड कर दूंगी कहीं स्क्रीन पर. ओके, तो द टफ पार्ट नाउ. जो मैंने कलर्स पिक किए हैं वो है लेमन येलो, बर्न सियना, टील, फ्लैश टिंट एंड बर्न्ड अंबर. इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट यूज करूंगी मैं और देखते हैं कैसी पेंटिंग बनती है. लेट्स स्टार्ट विद इट. हियर इज द रेफरेंस पिक्चर. मैं अब इसका एक रफ स्केच बना लूंगी. इस स्केच को बहुत ही प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसका एक आउटलाइन फ्रेम बना रही हूँ और इसी के साथ मैं इसके लेग्स और पूरी बॉडी का भी एक स्केच बना लूंगी. फेस का मैंने आउटलाइन ही सिर्फ दिया है और अब इसमें मैं डिटेल ऐड करूंगी. फॉर एग्जांपल नोज, माउथ एंड आईज की थोड़ी सी शेप का डिटेल जो है इसमें मैं ऐड करूंगी. इसमें थोड़ा सा हेयर का टेक्सचर ऐड करने के बाद दैट्स इट, इट्स रेडी टू पेंट. मैं इसमें एक बेस कोट ऐड कर रही हूँ सो दैट फ्रेम में ये नज़र आए, कैमरे में थोड़ा सा स्पेसिफाई हो पाए. नाउ स्टार्टिंग विद द फेस, मैं इसमें एक ब्राउन कोट करूंगी और नेक्स्ट लेयर मैं फ्लैश टिंट की करूंगी सो दैट थोड़े से हाइलाइट्स आ पाए. नाउ नेक्स्ट आई लीव इट टू ड्राई एंड आई यूज डार्क अम्बर कलर सो दैट इस पेंटिंग में थोड़ी सी डेप्थ आ पाए. अब ये जब तक सूख रहा है मैं बॉडी पे सेम प्रोसेस करूंगी ब्राउन पेंट करके एंड इसके बाद सेंटर में जो वाइट पोर्शन है इसमें थोड़ा सा फ्लैश टिंट यूज़ करूंगी. फेस जब ड्राई हो जाएगा डार्क अंबर का यूज़ करके और ब्लैक का यूज़ करके इसमें आईज और नोज को डिफाइन करूंगी. ये इसके हो जाने के बाद फ्लैश टिंट को यूज़ करके और हाइलाइट्स मैं इसमें डालूंगी एंड इन द एंड इसमें वाइट डॉट्स के साथ आईज और नोज का हाइलाइट डालूंगी. नेक्स्ट बॉडी पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी, फ्लैश टिंट से मैं इसमें हाइलाइट्स डालूंगी हेयर के एंड ब्राउन कलर को यूज़ करके थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश करूंगी. नेक्स्ट जो फ्लैश टिंट है उसको भी थोड़ा सा और डार्क करने के लिए मैं और ज़्यादा वाइट मिला के इसमें यूज़ करूंगी फॉर द हाइलाइट्स इन द फेस एंड इन द सेंटर पार्ट एज वेल. वाइट और फ्लैश टिंट को यूज़ करके मैंने ये हाइलाइट्स को डाला हुआ है. मैंने इसमें हल्का सा ग्रे भी यूज़ किया है नोज़ पे टू गिव अ लिटिल शेड और अब मैं ब्लैक से पूरी आउटलाइनिंग प्रिपेयर करूँगी, फेस की भी, थोड़ी सी वेवी हेयर की भी एंड पूरे बॉडी की एक ब्लैक आउटलाइन दूंगी सो दैट इट लुक्स मोर डिफाइंड. सेंटर में मैं थोड़े से हेयर स्ट्रैंड्स और वेव्स ऐड करूँगी एंड फुल बॉडी पे भी हल्का सा ब्लैक और वाइट के साथ कंप्लीट करूँगी. नाउ फॉर द बैकग्राउंड आई एम एडिंग येलो एंड इसमें थोड़ा सा प्रिसिशन चाहिए होगा सो दैट जो आउटलाइन है ब्लैक उसमें मर्ज ना हो. एंड अब मैं येलो का जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट करने के बाद
आई एम गोइंग टू ऐड लाइट ब्लू टू इट. अब ये लाइट ब्लू का जो कोट है उसको मैं इसके अराउंड कर लूँगी एंड फिर उसके बाद एक डार्क ब्लू इसी को विदाउट एडिंग द वाइट इसमें मैं डार्क ब्लू ऐड करूँगी एक आउटलाइन और एक डेप्थ और एक ऐड करने के लिए एंड इट्स डन. यू कैन सी द फिनिश ऑफ दिस पोर्ट्रेट. ये थोड़ा सा पोस्टर की तरह दिख रहा है. सो वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये मेरी बहुत ही फेवरेट पेंटिंग बन चुकी है. नॉट बिकॉज मैंने आज इसको यूट्यूब वीडियो पे पेंट किया बट लुक एट दिस हाउ क्यूट इट लुक्स मैन. मतलब कितनी क्यूट लग रही है एंड दिस पपी पोर्ट्रेट इज लुकिंग सो कलरफुल सो वाइब्रेंट आई लव इट. एनीवेज आप मुझे बताना कि आज की पेंटिंग आपको कैसी लगी एंड इफ यू पेंट दिस पेंटिंग डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर देन दैट मुझे कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पेंट करूं या फिर क्या बनाऊं. व्हाट यू वुड लाइक मी टू एक्सपेरिमेंट विद. सो दैट्स इट फॉर माय टुडेज वीडियो एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय टेक केयर.